Hello students welcome to our DSS online classes I am Sarita Tiwari your math teacher We were studying lesson number 10 tens and hundreds Today we are going to study our eyes get confused our eyes get confused on page number 137 Which line is longer A or B Measure each line and write how long is इट इज़ इन सेंटीमीटर्स हाउ गुड इज़ योर गैस विच लाइन इज लॉन्गर लाइन ए और लाइन बी ये लाइन ए है ये लाइन बी है आई थिंक लाइन बी इज़ लॉन्गर देन लाइन ए बट इज इट राइट लेट्स चेक इट विद द रूलर विच लाइन इज लॉन्गर देखने में हमको लाइन बी लॉन्गर लग रही है और इस लाइन ए हमको स्मॉल लग रही है लाइन ए में ये हमारा एरो जो है अंदर से है लाइन ई e में हमारा लाइन बी में ये हमारा जो एरो है ये बाहर से है हम चेक कर लेते हैं रूलर की हेल्प से ये रूलर है आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा मैंने बताया था आपको रूलर ये यहाँ से लेके हम स्टार्ट करेंगे जीरो से लेके ये बीच में टेन स्मॉल लाइंस हैं ये टेन लाइंस पूरी होने के बाद जीरो से लेके वन तक ये हमारा वन सेंटीमीटर हुआ फिर ये जो टेन मिली मिलीमीटर्स की जो लाइन है ये टेन के बाद ये हमारा टू सेंटीमीटर हुआ यानी वन सेंटीमीटर हैज़ टेन मिलीमीटर्स तो ये टेन मिलीमीटर्स mm की लाइन है और ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक वन सेंटीमीटर वन से लेके कर यहाँ तक टू सेंटीमीटर इस तरह से ये स्टार्ट है हमने देखा अब हम चेक करते हैं लाइन ए कितने सेंटीमीटर की है ये हमने यहाँ पे लाइन पे लाइन के कॉर्नर पे ये अपनी रूलर रखी और यहाँ से हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं ये यहाँ पर तो फोर सेंटीमीटर हो गया लाइन इसकी आगे गई है ये जो मिलीमीटर्स की लाइन है ये फाइव जो लाइन होती है थोड़ी सी बड़ी होती है ये देखिए यहाँ तक आने के बाद भी थोड़ी सी लाइन आगे चली गई है यानी ये लाइन ए है हमारी फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की हुई है अब हम लाइन बी को चेक कर लेते हैं लाइन बी के भी हम इस कॉर्नर पे इसी कॉर्नर पे रखेंगे एरो भले बाहर से है लेकिन हम लाइन के कॉर्नर पर ही अपनी स्केल को रखेंगे ये हमने अपनी स्केल यहाँ रखी यहाँ ज़ीरो पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ये देखिए फोर पॉइंट फाइव यहाँ आया और ये फोर पॉइंट सिक्स यानी लाइन बी भी हमारी फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की है विद द हेल्प ऑफ रूलर वी गेट द मेजरमेंट ऑफ लाइन ए एज फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एंड लाइन बी एज फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर मीन्स बोथ द लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ सो अवर गैस वॉज इनकरेक्ट लाइन ए भी हमारी फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की है और लाइन बी भी हमारी फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की है हमारी आंखें क्यों कंफ्यूज हो गई हैं क्योंकि इसमें जो ये एरो है अंदर से बना हुआ है और ये एरो इसमें लाइन बी में बाहर से बना है इसलिए हमारी आंखें कंफ्यूज हो गई हैं लेट्स सी सी एंड डी विच लाइन इज लॉन्गर सी और डी मेजर ईच लाइन हाउ गुड इज आवर गैस अब देखने में तो लाइन सी हमको लंबी लग रही है यहाँ से यहाँ तक लाइन सी और ये लाइन डी हमको स्मॉल लग रही है लेकिन हम स्केल से इसको मेज़र कर लेते हैं सी को हम मेज़र करते हैं ये हमारी कॉर्नर पे हमने अपने स्केल को रखा और ये देखिए यहाँ से हमने स्केल को रखा ये थ्री हो गया और थ्री के बाद ये वन और ये टू थ्री के बाद जो स्मॉल लाइन वन और टू है यहाँ तक आया है जो सी लाइन है वो थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर की है डी को भी हम मेज़र कर लेते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर की हो रही है अब डी को हम मेज़र करते हैं ये हमने यहाँ पे अपनी स्केल को रखी और ये देखिए ये थ्री है और थ्री के बाद ये जो छोटी सी स्मॉल दो लाइन है वहाँ पे आगे बढ़ गया है यानी दो मिलीमीटर यहाँ आगे बढ़ गया है थ्री पॉइंट टू थ्री सेंटीमीटर एंड टू मिलीमीटर लेकिन जब हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर लाइन सी भी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर की है और लाइन डी भी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर की है सो आवर गैस इज इनकरेक्ट फिर हमारा गैस इनकरेक्ट हो गया क्योंकि लाइन सी भी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड लाइन डी भी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर की है ऐसे ही हमने इसको चेक किया लाइन ए को चेक किया लाइन ए भी फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर थी लाइन बी भी हमारी फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर है क्योंकि इसमें लाइन ए में एरो अंदर से है और लाइन बी में एरो बाहर से है इसलिए लाइन बी हमको बड़ी लग रही थी और हमारी आंखें कंफ्यूज हो रही थी और ये लाइन ए हमको छोटी लगने की वजह से हम कंफ्यूज हो गए थे हमको ये लग रहा था कि लाइन बी ही लंबी है लेकिन लाइन बी लॉन्गर नहीं है लाइन ए से दोनों लाइन की लेंथ सेम है लाइन ए की भी 4.6 सेंटीमीटर है लाइन बी की भी 4.6 सेंटीमीटर है सेम ऐसे ही लाइन सी की भी मेज़रमेंट 3.2 सेंटीमीटर है एंड लाइन डी की भी जो मेज़रमेंट है वो 3.2 सेंटीमीटर है यानी ये दोनों सी एंड डी भी सेम लेंथ की हैं ए और बी भी सेम लेंथ की है बस हमारी आंखें कन्फ्यूज हो गई हैं सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू